यूपी में जनपद मेरठ के जलीकोठी में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की पुष्टि के बाद इलाके को सील करने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस पर भीड़ ने पथराव कर दिया। पथराव में सिटी मजिस्ट्रेट और दरोगा घायल हुए हैं। घटना दिल्ली गेट थाना इलाके की है। यहां जलीकोठी पर कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम हॉटस्पॉट बनाकर इलाके को सील करने गई थी। पुलिस के साथ प्रशासन की टीम भी मौजूद थी। इलाके को सील करने के लिए पुलिस बल्ली लगा रही थी, तभी उपद्रवियों की भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद यहां भगदड़ मच गई। पथराव की घटना में एक पत्थर सिटी मजिस्ट्रेट के हाथ में लगा है, जबकि पत्थर लगने से दरोगा मुकेश घायल हो गए। उपद्रवियों को काबू करने के लिए आसपास के थानों की पुलिस बुलाई गई। इसके साथ ही एसपी सिटी भी आरएफ के साथ मौके पर पहुंचे। इस बीच भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इलाके को सील कराने की कार्रवाई पूरी हुई। साथ ही पथराव करने वाले उपद्रवियों की धरपकड़ भी की जा रही है। कुछ नहीं, कुछ लोग इसमें अफवाह फैल गई थी कि कुछ लोग और इसमें सारी चीज़ों का है, तो उस पर तुरंत सब नियंत्रण में है। पुलिस जो भी है उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है, उनका इलाज चल रहा है और जो भी है कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। और जो भी उपद्रवी तत्व हैं अगर कोई इस तरह से करेंगे उनके विरुद्ध जो भी नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। नरेंद्र गौतम, मेरठ, जनमत न्यूज़।